नमस्कार, इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने मैं हूं फजल मुबीन। बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और सियासी गर्माहट जो है काफी तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं और वो एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनेंगे। अभी से कुछ देर पहले नीतीश कुमार, ये आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, पीछे राजभवन है, राजभवन गए थे, जिसके बाद से ये कयासों का दौर जारी हो गया। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए गए हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश कुमार हालांकि गणतंत्र दिवस की शाम राजभवन में एक टी पार्टी आयोजित होती है, उसमें शिरकत के लिए गए थे, जहां तमाम MLAs, MLCs जो भी होते हैं वो सब के सब शरीक होते हैं, और राजभवन की तरफ से एक टी पार्टी का आयोजन किया गया था, उसके उस ओर गए थे। हालांकि अभी सियासी अपडेट ये दे दूं कि मनोज झा, जो कि RJD के काफी कद्दावर नेता है, राज्यसभा सांसद है, काफी अपने बातों को लेकर विवादों से घिरे रहते हैं। उन्होंने ये स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगा है और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या ये सब जो कुछ चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो मुख्यमंत्री, जो कि हमारे गठबंधन के मुखिया हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे तो उसके बाद से भी मीडिया में कई सारी तस्वीरें आई। अशोक चौधरी का वो स्टिकर फाड़ने वाली भी तस्वीर सामने आई, उसके बाद से बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जिसको लेकर अब ये मान लिया गया है कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं रहेगी, एक बार फिर नीतीश कुमार NDA का हिस्सा बनेंगे। नीतीश कुमार जब राजभवन से बाहर आ रहे थे, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ, तेजस्वी आपके साथ नजर नहीं आए, उन्होंने कहा कि जो नहीं आया उससे पूछिए, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे की जो तलखी है वो जाहिर कर रही है कि अभी महागठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये सरकार बहुत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। वहीं उस खेमे की अगर बात करें तो राबड़ी आवास पर भी मीटिंगों का दौर जारी है और वहां पर आंकड़ा अगर मिलाया जा रहा है तो CPI यानी कम्युनिस्ट के जो विधायक हैं उनका, कांग्रेस का और फिर RJD का, ये सब टोटल जब कैलकुलेट किया जाता है तो 114 आंकड़ा आ रहा है। हालांकि बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए। फिर जीतनराम मांझी की पार्टी का अगर 4 MLA को जोड़ लिया जाता है तो 118 होते हैं, एक MIM और एक निर्दलीय को जोड़ करके 20 पूरा हो रहा है। हालांकि अभी भी बहुमत से वो दूर है। हालांकि तोड़ जोड़ की जो सियासत है उस पर भी मंथन चल रही है। क्या कुछ होगा, आप मेरे साथ बने रहिए और फिलहाल इस टीवी न्यूज को देखते रहिए। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।